back to another vlog of Dr. Green, जो उधर बैठी है कैमरा के उस साइड. आज हम लोग आए हैं जूनियर्स के साथ. सो हाय गाइस, और आज हम लोग जूनियर के साथ पार्टी करने पे आए हैं. और क्योंकि हम लोग की इंटर्नशिप खत्म हो चुकी है और इन लोग की पार्टी पेंडिंग थी, तो फाइनली ये हुआ कि डिसाइड हुआ कि आज के दिन हम लोग पार्टी कर लेते हैं. किस चीज की पार्टी दे रही है उसे? मैम की शादी. हाँ, शादी की पार्टी कर लेते हैं. तो अभी बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग इनसे, देखते हैं पहचान लो जूनियर्स हमारे कैसे. वैसे ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. इन लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी रेस्टोरेंट चूज़ कर लो. भाई ये लोग कुछ नहीं चूज़ किए. मतलब हम होते ना तो हम तो कुछ भी चूज़ कर लेते. मैम ये वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कि मैम जहाँ ले चलेंगे चल चलेंगे. तो अच्छा ढाबा. ये ढाबा नहीं है, इसका नाम है फर्जी ढाबा रेस्टोरेंट. बाकी यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा भी दिखाते हैं. हम लोगों को ये फ्री में ड्रिंक जो मैं ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ. अरे यार ड्रिंक लग रही है, ये भी बची है, बहुत क्यूट सी है. काइंड ऑफ नींबू पानी है ये. और ये यहाँ का बहुत हो गया ये. हाँ तो गाइस राधिका को कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये अच्छी लग रही है. और ये लोग भाई, ये लोग डेयरिंग लोग हैं. ये लोग अभी मनाली घूम के आए हैं और केवल गर्ल्स गैंग गई थी. कितने लोग गए थे तुम लोग? कितने लोग गए थे? सात लोग गए थे. सात लोग गए थे, सातों लड़कियां थे ना. हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं दूसरी लड़कियों को. हाँ. कि जाना चाहिए भाई. चर्चे लोगों के, मतलब ये लोग काफी ज्यादा वो है, डेयरिंग है. और ये सबसे पहले डेयरिंग, फिर ये डेयरिंग. ये जितनी दुबली पतली दिखती है इसका और उतना ही बड़ा है. और इससे तो सब लोग डरते हैं. डरते हैं बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों डरते हैं. अच्छा ठीक है, इसका मैसेज है कि यार इससे मत डरा करो, लड़के से प्यार करो. हाँ यार प्लीज. तुम्हारी क्या शिकायत है कि तुम जहाँ बैठती हो लड़के वहाँ से उठ जाते हैं ना? हाँ, पता नहीं क्यों लड़के से मत डरा करो. अच्छा ये बताओ तुम लोग, चलो थोड़ी सी बढ़ाई कर दो. अब हम फर्स्ट ईयर में चलते हैं. राधिका मैम के बारे में थोड़ी सी बात कर दो कि राधिका मैम कैसी हैं. कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा डॉक्टर साहब फर्स्ट ईयर की तरह ही हम तारीफ करेंगे. डॉक्टर साहब की आवाज बहुत ही अच्छी है. लोग कहते हैं उनके कानों में दर्द हो जाता है, मेरी चीची वाली आवाज है. मैं वो जलते हैं आपसे आवाज जैसे बोलते हैं. चलो थैंक यू. और आवाज बहुत ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है. अच्छा और गाना नहीं होता. What? Bro, what are you talking about, man? हाँ तुम बता दो राधिका मैम की थोड़ी बहुत तारीफ. हम लोग तो वेट वाइज भी इक्वली लगता है तो. सही में हाँ वेट वाइज तो इक्वल हो तुम लोग. हम दोनों एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं. तारीफ करने के लिए बोला गया, रिलेशन नहीं निकालना है. उन्हें तारीफ करने के लिए बोला गया. स्टार्ट करो मैम से. वही है मैम के बाद. मैम तारीफों की बहुत आश नहीं है. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह. सही मैम तारीफ की बहुत आश नहीं है. सही बात. चल चुकी मैम के बाद. बस ये ज्यादा हो गया. अच्छा ये बताओ कि हम लोग जा रहे हैं तो तुम लोग हमें याद करोगे कि नहीं? बहुत ज्यादा. आपके बारे में बता देना, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा डर लगता था मैम आपसे. प्यारी समझ गई. तुम लोग मुझे गाली नहीं दिए होगे? नहीं मैम. पक्का दिए तो होगे कभी जब मैंने काम दिया होगा तुम लोगों को. फर्स्ट ईयर का यार सीनियर्स को गाली भी दी. बहुत देते हैं दिए होगे बेटा. अरे कोई बात नहीं, सभी देते हैं. मैं फेस तो रहे होंगे
सबका तो याद नहीं, लेकिन उसके बाद से नहीं दिया। आप लोग देख सकते हो डॉक्टर भीम को पूरा, इनके बारे में सारी चर्चा हो गई, शुरू करो भाई। अरे इन लोगों को अभी पता चला ना कि मेरा चैनल है, तो इन लोग बेचारे शॉक में, पता ही नहीं था मैम का चैनल है। एक्चुअली सबको अभी पता चला कि चैनल तो सितंबर से है। तो यहाँ हम लोग नॉनवेज वाले लोग हैं, और जो अच्छे से दवाई पड़े कम से कम ये नॉनवेज खाती है, तो हम नॉनवेज वाले एक साइड बैठे हैं, ये वेज वाले हैं, ये वेज है, ये हालत ऐसी है इसलिए हम वेज भी महंगा महंगा मंगाइए। हाँ मंगा लो, तुम कितना भी महंगा मंगाओ नॉनवेज की टक्कर का नहीं होगा। गजब बेइज्जती है, खाए पड़े हैं। जन्मों के भूखे क्या है बताओ श्वेता? स्प्रिंग रोल आराधना का फेवरेट। और तुम्हारे हिसाब से क्या है डल्लफ है ये लद के आया है? नहीं वो प्लेट लगता पता है आप के मतलब जिससे क्रेन गिराती है ना सामान ढेर सारा। ओह माय गॉड Bye.